गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट, द अर्थ स्ट्रक्चर एंड लैंडफॉर्म्स। तो स्ट्रक्चर और लैंडफॉर्म्स को डिफाइन करने से पहला है, इसको डिस्क्राइब करने से पहले हमारे जो मेन टॉपिक आ जाते हैं, हमारे जो लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने और एनवायरमेंट के ऊपर डिस्कशन किया था, उसमें हमारे एक पॉइंट था व्हाई अर्थ इज कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, उसमें से अर्थ को आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही करेंगे, कल हम पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो हम इसको अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कंसिडर करते हैं। प्लैनेट्स मींस के वाटर प्लैनेट्स, द सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द सन स्टार आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ठीक है, इसका जो रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन होता है, स्पेसिफिक पीरियड होता है, मूवमेंट इसका एंटी क्लॉकवाइज होता है, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होता है। जनरली हमने प्लैनेट्स को टू टाइप में डिवाइड किया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और इनर प्लैनेट्स मेड अप ऑफ रॉक्स, आउटर प्लैनेट्स विच आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, दे हैव रिंग्स अराउंड देम। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है अबाउट हमारी रहेगा अर्थ की स्ट्रक्चर एंड लैंडफॉर्म्स के हिसाब से। जब अर्थ हमारे सन के चारों रिवॉल्यूट करता है इन एन एलिप्टिकल पीरियड, हमारे टाइम पीरियड उसको कितना लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो 4 साल के बाद 6 आवर्स, जब कंटिन्यूसली 4 साल के बाद 24 आवर्स में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे 4 साल के बाद हम लीप ईयर काउंट करते हैं, जहाँ पे 366 डेज होता है उसमें। तो जब अर्थ का मैंने कहा था, अर्थ का हम कंसिडर करते हैं इज ए यूनिक प्लैनेट, रीजन क्या है उसका, 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है फेवरेबल एटमोस्फेरिक कंडीशंस रहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ड्यू टू द सूटेबल टेम्परेचर, ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हम अर्थ को कंसिडर करते हैं इज ए यूनिक प्लैनेट। हम उसको बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, 75% या 3/4 ऑफ इट इज कवर्ड विथ वाटर, इट लुक्स ब्लू इन कलर, हेंस इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। 3 कंडीशंस है जिसकी वजह से अर्थ को हम कंसिडर करते हैं इज ए यूनिक प्लैनेट। फर्स्ट है फेवरेबल टेम्परेचर, जहाँ पे आपका मर्क्यूरी में आपका 400 डिग्री सेल्सियस होता है, वो टेम्परेचर नहीं है जो कि लाइफ सस्टेन हम नहीं कर पाएंगे। नेपच्यून में -350 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, वो भी नहीं है। हमारी अर्थ में एक एवरेज टेम्परेचर कंसिडर किया गया है 22 डिग्री सेल्सियस, जो कि लाइफ सस्टेन करने के लिए ईजी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है फेवरेबल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, इसकी वजह से भी हम अर्थ को कंसिडर करते हैं यूनिक प्लैनेट। डाइजेशन में हेल्प करता है, बहुत सारे प्रोसेस है, लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, सब में यह हम हेल्प करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन ऑल्सो यह हमें हेल्प करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट है आपका सुइटेबल एनवायरमेंट, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ एयर है, ऑक्सीजन का प्रेजेंट 21% है, लाइफ सपोर्टिंग गैस है, हेल्प्स इन बर्निंग, खाली ऑक्सीजन से तो काम नहीं चलेगा, प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है जो कि नाइट्रोजन प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरत होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आपका, बहुत सारे जो कंपोजिशन बनता है एनवायरमेंट पर, एयर में एटमोसफियर, सुइटेबल एनवायरमेंट में सुइटेबल एटमोसफियर ही कंसिडर करेंगे। एटमोसफियर मीन्स है एयर, हम इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर एलोंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, एटमोसफियर, व्हाट इज एटमोसफियर, एटमोसफियर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन बाय फॉर्मिंग द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का, ओजोन का सिंबल क्या था, O3। ठीक है, तो ये जनरली 3 कंडीशंस है जिसकी वजह से हम अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसमें बोलते थे अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एज इट इज ऑल द नेसेसिटी कंडीशंस टू सस्टेन लाइफ, जिंदा रहने के लिए जितने भी नेसेसिटी कंडीशंस चाहिए वो अर्थ पे अवेलेबल है, इसकी वजह से हम इसको यूनिक प्लैनेट कंसिडर करते हैं। हमारा साइंटिफिक एविडेंस जो है इसके हिसाब से 4.54 बिलियन ईयर्स से पहले हमारी प्लैनेट क्रिएशन हुआ था, और लाइफ विद इन बियर कुछ बिलियन ईयर्स एगो ही लाइफ का क्रिएशन होता है। ठीक है,
साइंटिफिक एविडेंस हम देखेंगे तो उसमें अलग अलग व्यूज आता है, लेकिन कॉमनली कंसिडर किया गया था द फर्स्ट लाइफ जो हमारे फर्स्ट जो प्लैनेट का क्रिएशन हुआ था कब हुआ था, अराउंड 4.54 बिलियन ईयर्स। ठीक है, और ये हमारे प्लैनेट का क्रिएशन हुआ था 4.54 बिलियन ईयर्स से पहले, और अप्रोक्सीमेटली कुछ बिलियन ईयर से पहले लाइफ का क्रिएशन होता है, लेकिन उससे पहले ये कहा जाता है हमारे एक सुपर कंटिनेंट है जिसको हम बोलते थे पांजिया जो सुपर कंटिनेंट। ठीक है, हमारे जो जियोलॉजिस्ट है उनके हिसाब से पांजिया का क्रिएशन लेट आपका पैलियोलिथिक पीरियड एंड जो अर्ली मेसोजोइक पीरियड के बीच में पांजिया का क्रिएशन हुआ था, एक सुपर कंटिनेंट कंसिडर किया जाता है। जनरली साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से जो असेंबल्ड हुआ था हमारे पांजिया का जो बना था 335 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, और जो ब्रेकआउट हुआ था वो आपका 150 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो हमारी पॉइंट है इट इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ हमारी कैसे बना था ना, फर्स्ट था एक सुपर कंटिनेंट। ठीक है, सुपर कंटिनेंट पांजिया कब फॉर्मेशन हुआ था, लेटर पैलियोजोइक पीरियड एंड अर्ली मेसोजोइक पीरियड के बीच में उसका क्रिएशन, मेसोजोइक पीरियड असेंबल्ड आउट बना हुआ था अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एविडेंस 335 मिलियन ईयर्स पहले बना था, और ब्रेकआउट हुआ था मीन्स खत्म हुआ था जो पीरियड मीन्स टूटा था या डिवाइड हुआ था, इसको जनरली हम कंसिडर करते 175 मिलियन ईयर्स। अप्रोक्सीमेटली आपकी बुक में 150 दिया गया है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस में चलेंगे क्योंकि अलग अलग एविडेंस वेरी करता है। तो पांजिया का हमारे जैसे में डाउट मीन्स बना था 335 मिलियन ईयर्स एगो और ब्रेकआउट हुआ था 175 मिलियन ईयर्स एगो, बुक में आपका 150 मिलियन ईयर्स एगो पांजिया का डिविजन। ठीक है, पांजिया क्या था, इट इज ए सुपर कंटिनेंट, पांजिया इज ए सुपर कंटिनेंट, फॉर्मेशन हुआ था कब, लेटर पैलियोजोइक पीरियड एंड लेट अर्ली मेसोजोइक पीरियड के बीच में, जब ये डिवाइडेड हुआ था ना इट कन्वर्टेड इनटू टू कंटिनेंट्स, ये एक सुपर कंटिनेंट है, सुपर कंटिनेंट ये टू कंटिनेंट में डिवाइड हुआ था, एक है आपका नॉर्दर्न कंटिनेंट और एक हो गया सदर्न कंटिनेंट। नॉर्दर्न कंटिनेंट को हम बोलते थे लॉरेशिया लॉरेशिया एंड सदर्न कंटिनेंट को गर्गाना। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जो हमारी जब हम क्रिएशन ऑफ हमारा प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थ का क्रिएशन कब हुआ था ना, कुछ एविडेंस की अकॉर्डिंग पहले हमारे पास एक सुपर कंटिनेंट था जिसको हम पांजिया बोलते थे, इसका क्रिएशन अराउंड 335 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। बिटवीन टाइम पीरियड आपका जो हिस्ट्रिकल पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है ना मेसोजोइक पीरियड पैलियोजोइक पीरियड, जहाँ पे किस कंडीशंस में हम बोलते हैं ना टूल्स कैसे यूज किया था उसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। ठीक है, तो लेटर पैलियोजोइक पीरियड और अर्ली मेसोजोइक पीरियड के बीच में हमारी पांजिया का या पांजिया का क्रिएशन हुआ था, असेंबल्ड हुआ था 335 मिलियन ईयर्स पहले और ब्रेकआउट हुआ था 175 मिलियन ईयर्स। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने की वजह से हमारी जो सुपर कंटिनेंट पांजिया ये दो कंटिनेंट में डिवाइड हुआ, नॉर्दर्न कंटिनेंट को हम लॉरेशिया बोलते हैं और सदर्न कंटिनेंट को गंडवाना बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे हम इसमें डिटेल्स में जाएंगे। फिर बिटवीन दिस टू जायंट कंटिनेंट्स और ये दोनों के बीच में एक ओशियन की क्रिएशन हुआ, इज इलोंगेटेड शैलो ओशियन एग्जिस्टेड, इसको हम टेथिस सी बोलते हैं, टेथिस सी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्रिएशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में इसके दिया गया है। सिंस देन फिर धीरे धीरे करके इसका जो सर्फेस और चेंजेस होते चले गए, तो हमारे फर्स्ट अगर आएगा व्हाट इज द फर्स्ट लैंड सर्फेस ऑन अर्थ, इट इज पांजिया एंड सुपर कंटिनेंट। ठीक है, सो पांजिया डिवाइडेड हो गया टू कंटिनेंट्स में, नॉर्दर्न हो गया आपका लॉरेशिया एंड सदर्न हो गया गंडवाना लैंड। ठीक है, और इसके बीच में देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्पैरो इलोंगेटेड ओशियन जिसको हम टेथिस सी बोलते हैं। फिर धीरे धीरे इसका सर्फेस में चेंज हुआ, लैंड फॉर्म्स चेंज होते चले गए ड्यू टू जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स पढ़ेंगे, कंटिनेंटल प्लेट्स सेवन प्लेट्स आर देयर, जिसकी वजह से लैंड फॉर्म शुरू हो गया, जैसे प्लाट्यूज डिजर्ट्स का फॉर्मेशन, प्लेन्स का, माउंटेन्स का, अलग अलग आपका फॉर्मेशन होता चला गया। तो उसके ऊपर हम डिटेल्स में जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास
क्लास था, ये क्या था ना, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, सूटेबल टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। फिर कह रहा है कि हमारे अर्थ का क्रिएशन साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से, जियोलॉजिस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है 4.54 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, और कुछ बिलियन पहले से ईयर से ही हमारा लाइफ का शुरुआत हुआ था। और किसी एविडेंस के अकॉर्डिंग कि हमारे पेंजिया नामक का एक सुपर कंटिनेंट था जो 335 मिलियन ईयर्स पहले बना था, और कब ब्रेकआउट हुआ था, कब टूटा था, 175 मिलियन ईयर टूट के ये दो कंटिनेंट्स में डिवाइड हुआ, एक नॉर्दर्न कंटिनेंट है और एक आपका सदर्न कंटिनेंट है। नॉर्दर्न कंटिनेंट्स का क्या हो गया, जिसको हम बोलते हैं लॉरेशिया, एंड सदर्न कंटिनेंट को गंडवानालैंड बोलते हैं। उसके बीच में एक स्वालो ओशन का क्रिएशन हुआ जिसको हम टेथिसी बोलते हैं। धीरे धीरे फिर लैंडफॉर्म्स में चेंज होते चला गया, कहीं पे आपका प्लैटियोस, कहीं पे लैंडफॉर्म्स माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट्स वगैरह के क्रिएशन होते चला गया, दैट्स आगे बढ़ता गया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे यहाँ इंटीरियर सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जो इंटीरियर सरफेस ऑफ अर्थ ये स्टडी हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन होता है वो जियोलॉजिस्ट की बदौलत ही है। ठीक है, इनके हिसाब से मैं इसको डिटेल्स में जाऊंगी। हमारी जो लैंडफॉर्म्स है या जो सॉयल है, मैंने जो आपका लिथोस्फीयर पढ़ा था, लिथोस्फीयर इट इज ए कवर ऑफ रॉक अलोंग विद सॉयल, लेयर ऑफ रॉक अलोंग विद सॉयल, इसको हमने तीन लेयर में डिवाइड किया है कि क्रॉस, मेंटल, को सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड एटमॉस्फेयर को हमने पांच लेयर में डिवाइड किया है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पीरियड में हमारे रहेगा था इंटीरियर सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का लैंडफॉर्म्स कैसा है, उसका जो इनर कोर या क्रॉस मेटल में उनका टेम्परेचर क्या है, एटमोस्फेयर की कंपोजिशंस क्या है, वो सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, कैसे अर्थ क्यों हम उसको यूनिक प्लैनेट बोलते हैं, और द मिस्ट्री अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, कैसे बना था, कैसे बना था, पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट से कितना ईयर पहले, 335 मिलियन ईयर्स पहले ही बना था। ब्रेकआउट कब हुआ था, 175 मिलियन ईयर्स से पहले ब्रेकआउट होकर क्या बना था, दो कॉन्टिनेंट में, एक नॉर्दर्न एक सदर्न, लॉरेशिया एंड गंडवानालैंड, उनके बीच में एक ओशंस का क्रिएशन हुआ जिसको हम बोलते हैं टेथिसी। नेक्स्ट पीरियड में हम अबाउट डिस्कस करेंगे द इंटीरियर सर्फेस ऑफ द अर्थ। थैंक यू।